सदा सुहागन रह, हमेशा खुश रह, दूधो नहा पूतो फल। इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया अपने प्यारी सी वाइफ को। यहाँ ज्योति बना रही है अभी, देखिए पूरी कचौड़ी बना रही है, कचौड़ी। और ज्योति ये वाला झलरी लेके आई है जो कि बाबू के बर्थडे में हम लोग मंगाए थे लोग। ये देखिए ज्योति कहाँ बैलून लगा रही है, है? उजले। नमस्कार प्रणाम राधे राधे, कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों आज है 25 मई 2023 और आज हम लोगों के शादी का सालगिरह है, तो आप सभी को सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। लोग आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और हमारी परी को भी तैयार करा दिया लोग। राधे राधे बोल दीजिए बेटा जी। यूट्यूब फैमिली और अभी सुबह सुबह नहा धो के तैयार होकर जा रहे हैं लोग। पहले घर के मंदिर में पूजा करेंगे लोग, उसके बाद जाएंगे लोग कहीं बाहर। तो सारा कुछ आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। हम अपने से सब मेहंदी साफ छुप लिए हैं और ये देखिए ज्योति तैयार। पहले तो देखिए पैर में मेहंदी लगा ली है फर्स्ट टाइम। 22 बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है ज्योति का। 22 साल में पहली बार लगा। अरे फर्स्ट टाइम लगाए, इतने बड़े हो गए और पहली बार मेहंदी गोड़ में लगाए हैं, ऐसे किए थे। हाँ आपका भी दिखा दिया बेटा। तो अभी चलते हैं लोग पूजा करने, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये मेरे को नहीं बोले हैं क्या? ओ हो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय वाइफ माय लाइफ सब कुछ। चलो पूजा करने चलो। फैमिली अभी घर का पूजा पाठ संपन्न कर लिया हम लोग, अभी बाहर जाएंगे। प्रसाद के लिए देखिए यहाँ पे लड्डू लेके आए थे, गुलाब जामुन और काला कर्ण, जो कि वहाँ पे भोग लगा दिया। फूल नहीं मिल पाता इसलिए हम फूल नहीं लाते। हाँ इधर अगल बगल में कोई फूल का पौधा ही नहीं है, स्कूल में था तो मिल जाता था, वहाँ पे भी फूल नहीं निकल रहा है। और परी को भी देखिए, परी उधर बगल में बैठती है साथ में, उसको भी पूजा पाठ में सम्मिलित करते हैं लोग ताकि अच्छा ज्ञान पा सके। और फैमिली घर पे पूजा पाठ करने के बाद अभी हम ज्योति और परी तीनों आदमी जा रहे हैं लोग गांव के एक बहुत ही भव्य मंदिर है, वहाँ माता रानी के दर्शन करने। वो देखिए सामने दिख रहा है। और अभी हम लोग पहुंच गया लोग मंदिर में, और ये देखिए यहाँ की माता रानी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही दूर दूर से आते हैं लोग लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने, माता रानी के दर्शन करने और अपना अपना मन्नत मांगने। तो आप लोग भी हमारे माध्यम से माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और ज्योति यहाँ पे देखिए पूजा पाठ कर रही है, जो भी सामान घर से लाए थे लोग माता रानी को अर्पण कर रहे हैं लोग। फैमिली अभी पूजा पाठ करके आ गए लोग हम लोग अपने रूम पे, और ये रहा प्रसाद। आप लोग भी खा लीजिए। हाँ पहले ये वाला खाइए, बहुत अच्छा लगता है, और फिर नारियल खा लीजिए। हाँ। प्रसाद माता रानी के पास है। ऐसे पास में होते लोग तो सामने से मुंह मीठा कराते, बट आप लोग दूर है तो मोबाइल में ही मुंह मीठा करा दे रहे हैं आप सभी का। और काश कि ऐसा हो पाता कि आप लोग हमारे साथ में होते लोग, ऐसे तो हम लोग महसूस करते हैं कि आप लोग हमारे साथ में हैं, लेकिन नजदीक होते तो काफी अच्छा लगता हम लोगों को, खुशी होती कि हम लोग के साथ में। आप सभी ले लीजिए, जैसे इसमें लड्डू है ना, इसमें गुलाब जामुन है, नारियल है, कजन को हम मीठा दिए। भाई हम आप लोगों के सामने ज्योति का मुंह मीठा करा देते हैं। बेटा
हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर वाइफ फ्रेंड्स मी। पानी का भी मुंह मिठाओ, ये हैप्पी बर्थडे बोल रही है। सदा सुहागन रहा, हमेशा खुश रहा, दूधो नहा पूतो फल, इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया अपने प्यारी सी वाइफ को। और बेट पे अरे बेटू भी आशीर्वाद ले रहा है, खुश रहो बेटा खुश रहो। कौन मिठाई दोस्तों, अभी शाम के 6:30 हो गए, यहाँ ज्योति खाना बना रही है बड़ी बड़ी, क्योंकि हम लोगों के पास सिंगल चूल्हा है ना, तो यहाँ पे सब्जियाँ कब है। अच्छा, सब्जी बना के वहाँ पे खनिया ली है, और यहाँ बन रहा है दोस्तों दलिया, आलू परवल का सब्जी है, दलिया है, और यहाँ पे अभी सत्तू तैयार कर रही है ज्योति, थोड़ा सा ना वो कचौड़ी टाइप का बनाएंगे हम लोग आटा का। और अभी बहुत सारा काम है दोस्तों, पूरा रूम डेकोरेट करना है, टाइम 6:30 बज गया है, तो थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि आराम से किया जाए, क्योंकि दूसरा कोई तो है नहीं, हम लोगों को मनाना है, तो जितने बजे तक मनाएं। क्या ज्योति, यहाँ ज्योति बना रही है अभी देखिए पूरी कचौड़ी बना रही है, कचौड़ी देखिए कैसे गोल गोल फूल रहा है। और मैं जा रहा हूँ दोस्तों, अभी काफी लेट होने जा रहा है, तो जा रहा हूँ अभी पूरे रूम को डेकोरेट करने, बैलून उड़ाने, हम और परी मिलकर बनाने। परी को देखिए, परी बोली वाह आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बैलून ले खेल रही है। बेटा बेटू चलो बैलून फुलाया जाए, चलो हाँ ऐसे फुलाएंगे। और हम लोग अपने प्यारे से रूम को कल ही सजा लिए थे लोग, आधा डेकोरेट हो गया है, केवल बैलून वैलून लगाना है, झलरी वलरी और भी जो थोड़ा बहुत सामान लेके आए लोग डेकोरेशन का। और परी को देखिए, परी यहाँ पे बैलून सजाना शुरू भी कर दिया, बैलून फुलाना सॉरी, ये देखिए इतना सारा बैलून लेके आए, टोटल मल्टी कलर बैलून है, अलग अलग प्रकार के कलर है, तो इसे सजाएंगे लोग और परी हेल्प कराएगी। क्या बेटू आज आप खुश हो? हाँ दो आम फुला दे बेटा। और दोस्तों देखिए, इतना सारा बैलून हम लोग फुला लिए लोग, हम और परी परी देते जा रही है, हम फुलाते जा रहे हैं इसकी मदद से। और कितना फोड़ भी दिए हैं, फूटा है 5-6 तो फूटा है, तो उतना तो फूटा ही। और बत्ती गुल हो गया अभी हम लोगों का, लाइट अभी तुरंत लाइट कट गया, लाइट महाराज जी आ गए देखिए वहाँ पे। और ज्योति ये वाला झलरी लेके आई है, जो कि बाबू के बर्थडे में हम लोग मंगाए थे लोग, अभी इसको पहले लगाते हैं लोग। परी पकड़ो तनी हो दादा। और दोस्तों अभी फिर से लाइट बत्ती गुल, यहाँ केवल अभी ये ही सजाए थे लोग, ये झालर लगाए थे लोग और हैप्पी एनिवर्सरी लगाए थे लोग, बैलून सजाने जा ही रहे थे तब तक लाइट कट गया। घर में दोस्तों 13 बजे सब होता है उसके भी परी का बर्थडे भी ऐसे ही मनाते हैं, सब जिस दिन रहेगा ना उस दिन सब नून तो, प्याज हरदी नमक सब उसी दिन होता है, तो आराम से मनाते हैं। कौन सा जल्दी सर जी तो गोइनी। और दोस्तों देखिए कितना प्यारा लग रहा है घर, अब पूरे रूम को सजा दिए लोग, लाइट आ गया था ना दोस्तों, अभी नीचे रखे हैं लोग इधर भी, दूर से दिखाते हैं रुके। और दोस्तों अभी अपने प्यारे से रूम को पूरा सजा लिए लोग, ये देखिए ज्योति का बैलून लगा रही है, हैं अच्छा लगे लगे ऊपर लगी केगा टेप रही तो में जाकर चिपक जाए लगी के। और ये देखिए ये हम लोग सजाए लोग, हाँ बस हो गए, ये पूरा रूम डेकोरेट किए हैं लोग। आप लोगों को कैसा लगा हमारा डेकोरेशन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और परी को दिखाते हैं, परी अभी से ही देखे बेटा इसको लग रहा है कि इसी का बर्थडे है, अभी से ही इसके लिए टोपी खरीद के लाए थे लोग, तो टोपी पहन के घूम रही है, थोड़ा बहुत और बैलून बचा हुआ है तो उसको भी लगा लेते हैं लोग। और दोस्तों काफी मेहनत करने के बाद अभी पूरे रूम को सजा लिए हम और ज्योति मिल के, ज्योति भी खाना बना के आई उसके बाद हमारे साथी, ये भी काफी थक गई है आज, हमारे साथी मिल के पूरे रूम को डेकोरेट करवाई बना लगा देते हैं भैया।
उजले। चलिए अभी तो जा रहे हैं लोग फिलहाल नहाने, नहा धोवा के और फिर कपड़ा वपड़ा चेंज करके उसके बाद केक कट करेंगे लोग। तो इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, अगली वीडियो में आप सभी से दिखाएंगे कौन सा केक हम लोग लेके आए हैं और आज अपने एनिवर्सरी पे कौन सा ड्रेस हम दोनों पहन रहे हैं लोग। तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा, फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों।